साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सिन्हा आपके साथ दिव्यांगम चैनल पर, आपके अपने चैनल पर आपकी और हमारे बीच की कुछ समस्याओं को शेयर करने के लिए एक बार फिर से सामने आया हूँ। आजकल आप बहुत ध्यान दे रहे होंगे, जो लोग भी जागरूक व्यूवर्स हैं, जो लोग समाचार सुनते हैं या देश की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, हिंदुस्तान के भविष्य में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग आजकल एक खबर बहुत जोर शोर से देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर जो नई राजनीतिक व्यवस्था बन रही है, इस पर हम आप लोगों की राय जानने के लिए इस चैनल पर आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार कर रहे हैं। कल मैं एक न्यूज चैनल में देख रहा था कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो पहली ज़कात किसी मुस्लिम भाई ने की थी वो आज से लगभग 2000 साल पहले की थी। तो अंदाजा लगाइए, जब 2000 साल पहले इस्लाम हिंदुस्तान में आया नहीं, मुसलमान हिंदुस्तान में आए नहीं, तो ये वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में कहां से आ गया? खैर, आया 1950 में 52,000 एकड़ भूमि के साथ आया, 52 लाख एकड़ भूमि के साथ आया। उस वक्फ बोर्ड में कुल तीन संशोधन किए, वो कांग्रेस पार्टी ने किए और केवल मुस्लिम समाज के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए किए। आज की तारीख में जो पुरानी व्यवस्था चल रही है वो ये चल रही है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अगर ये कह दे कि यहाँ पर कभी इस्लाम धर्म की पूजा हुई थी, कभी नमाज पढ़ी गई थी, कभी मस्जिद के काम हुए थे, तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड अपने अधिकार में ले लेता। अब जरा ये सोचिए, वक्फ बोर्ड ने संपत्ति अधिकार में ले ली, हम उस पर किसी भी तरह का कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, जो कार्यवाही होगी वो वक्फ बोर्ड के अपने उनके कोर्ट में होगी। ये सोचिए कि कोई भी कोर्ट, कोई भी संगठन अपने हाथ आई हुई संपत्ति को क्यों छोड़ेगा? अच्छा, अब बात रही ऐसे कैसे कब्जा कर लेगा, तो साथियों 2 साल अंग्रेजों ने राज किया, उससे पहले 500 साल मुस्लिम संप्रदाय ने हिंदुस्तान पर एक छत्र राज्य किया। उस एक छत्र राज्य में कितने मंदिर तोड़े गए, कितनी मस्जिदें बनाई गईं, हम तो बानगी बात कर रहे हैं ना अयोध्या, काशी और मथुरा की। ऐसे न जाने कितने अयोध्या, कितने काशी, कितने मथुरा ऐसे हैं जिनकी हमको जानकारी भी नहीं है, जहां मस्जिदें बनी हुई। फर्ज कीजिए आज जिस वक्त हमारा वीडियो आपके सामने जा रहा, आज की मौजूदा व्यवस्था में वक्फ बोर्ड ने सिन्हा लाजन उत्सव कुंज पर भी अपना दावा ठोक दिया कि 16वीं शताब्दी में औरंगजेब जब था तो यहां नमाज पढ़ी गई थी, तो सिन्हालाज कहां जाएगा? ये बात महज केवल सिन्हालाज या प्रवीण सिन्हा की नहीं है, ये बात है हिंदुस्तान के लगभग 70-75% जितने भी हिंदू भाई हैं, ये सबकी बात है। ये सबकी बात है कि अगर किसी ने कह दिया कि अंग्रेजों से मुसलमानों से ईसाई सिख धर्म से पहले मुसलमान लोग हिंदुस्तान में थे, और किसी मुसलमान ने कह दिया कि अमृतसर में कभी पहले नमाज पढ़ी गई थी, स्वर्ण मंदिर हमारा है, क्या होगा सिख धर्म का? मैं इन्हीं बातों को लेकर के, इन्हीं चीजों को लेकर के आपके सामने आया हूं। सरकार ये नहीं कह रही कि हम वक्फ बोर्ड के अधिकार छीन रहे हैं, सरकार ये नहीं कह रही कि 9,40,000 एकड़ जो भी उसकी संपत्ति है, 9,40,00,000 एकड़ हम वो संपत्ति ले रहे हैं। सरकार ये कह रही कि ऐसी विवादित संपत्ति जो वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड उसको स्पष्ट करे, और जिसका रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास नहीं है वो संपत्ति वो अल्पसंख्यक समुदायों के लिए दे। किसी भी हिंदू धर्म को नहीं चाहिए। सपोज कीजिए, सोचिए कि कानपुर और लखनऊ के बीच में किसी गांव के पास वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उसका कोई रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास नहीं है,
तो कानपुर और लखनऊ के बीच में रहने वाले सिख, बौद्ध, जैन, इनमें से किसी भी निराश्रित संप्रदाय के व्यक्ति को उसके रहने के लिए, उसके रोजी कमाने के लिए दी जा सकती है। सरकार का कहना है कि जब तक ऐसी संपत्तियों का फैसला नहीं हो रहा, तब तक इन संपत्तियों का मुकदमा संबंधित न्यायालय में चलेगा, जो आज की तारीख में यह संभव नहीं है। केवल इन मुद्दों के साथ, इस बात के साथ वक्फ बोर्ड आपत्ति कर रहा है कि हमसे हमारी संपत्ति छीनी जा रही है। हम आपकी संपत्ति नहीं छीन रहे, हम कह रहे हैं कि या तो उस पर अपना दावा पुख्ता करें कि आपके पास ये संपत्ति कहां से आई, किसने दी और इस संपत्ति का वारिस पहले कौन था, और अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो यह माना जाएगा कि यह जमीन जबरदस्ती कब्जा की हुई है और वक्फ बोर्ड इसको वापस लेगा, देगा हिंदुस्तान को। इतना सा विवाद है, कहीं भी यह नहीं है कि किसी मुसलमान की संपत्ति ली जा रही, कहीं भी यह नहीं है कि मुसलमान संप्रदाय के साथ अन्याय किया जा रहा है। जरा समझिए, एक मुद्दा यह हुआ, एक छोटी सी बात थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाए। बीते दिनों हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा हुआ, उसका शिकार बांग्लादेश में रहने वाले 8% हिंदुओं को बनाया जा रहा है, ये निहायती गैर मानवीय वाक्या है और इसको तुरंत रोकना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो मानवाधिकार एसोसिएशन चलाते हैं, वो आज कहाँ हैं? जब कभी अल्पसंख्यक की बात होती है, मुस्लिम समाज की अन्य देशों में बात होती है, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म की बात होती है, तो मानवाधिकार एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहां तो कोई बोलने वाला ही नहीं है। मंदिर, वहां एक इफकान मंदिर है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा मंदिर, वहां लूटपाट की गई, वहां की मूर्तियां तोड़ी गईं, भगवान के जेवर और रुपया पैसा लूट के लोग चले गए, कोई बोलने वाला नहीं। कितने हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, कितने हिंदू वहां बेदखल किए जा रहे हैं, इस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने उन सभी दर्शकों से एक अपील करता हूं कि वो इन दोनों मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राय दें कि क्या वक्फ बोर्ड के संबंध में जो केंद्र सरकार कानून ला रही है वो गलत है। अगर हाँ तो आप अपनी राय दें, और अगर सही है तो उस पर अपनी स्पष्ट राय दें, और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, बांग्लादेश में हो रही मानवता की हत्या, उस पर जो लोग अपनी राय दे रहे हैं उनको भी ये बोलना चाहिए कि बांग्लादेश में जिस तरह से इंसानियत शर्मसार की जा रही, जिस तरह से वहाँ की बेदखल प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उनके घर में आतंकियों ने घुस करके जो मानवता को शर्मसार किया है, क्या ये उचित है या अनुचित? जो भी है, आपके कमेंट बॉक्स में आपके साथ इंतजार कर रहा हूं आपका। थोड़ा सा आप लोग कंजूसी दिखाते हैं अपने कमेंट करने में, व्यूज तो बहुत देते हैं, लोग देखते खूब हैं, लेकिन अपने राय देने में संकोच लगता है। उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि आप लोगों को हो सकता है अंदर से कुछ ऐसा लगता हो कि कहीं हम परेशानी में ना पड़ जाएं। तो याद रखिए, ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, यहाँ आप राय देने के लिए स्वतंत्र हैं, और हिंदुस्तान की किसी भी राज्य की सरकार या केंद्र सरकार आपके साथ पूरी तरह से है, इस बात से आप निश्चिंत रहें और बेबाक होकर अपनी राय दें। हम आपकी राय का इंतजार करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।